ये 6 नंबर के कान्हा जी की कैप है, ये मैंने अपने लाला जी के लिए बनाई है। ये बहुत ही इजी कैप है और इसके लिए हमने वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल का यूज़ किया है और मैंने इसे 2.5 mm के क्रोशे ओक से बनाया है। आप चाहें तो इसे 3 mm के क्रोशे ओक से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी कैप है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 चेन बनाई, इसके बाद धागा लपेटा और जो सबसे फर्स्ट वाली चेन है ना, यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे एक डबल क्रोशे, इसी चेन में डबल क्रोशे हम बनाते जाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। देखिए हमने स्टार्टिंग में जो है 4 चेन बनाई थी, जो सबसे फर्स्ट चेन है इसमें से हमने डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट किए और अब 3 चेन बची हमारे पास। 3 चेन को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, तो टोटल ये 3 चेन भी एक डबल क्रोशे होगा और ऐसे हम इस जो ये जो फर्स्ट चेन है इसमें टोटल हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 11 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, इसको मिला के 12 हो गए। तो अभी हमारे पास कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 4 फर्स्ट वाली चेन में ही बनाएंगे सब, 5, 6 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हम फर्स्ट चेन में ही बना रहे हैं, 11 और ये 12। 12 टोटल डबल क्रोशे हो गए हमारे पास, 12, 3 चेन प्लस 11 डबल क्रोशे, तो टोटल 12 हो गए। 3 चेन को भी एक डबल क्रोशे काउंट कर रहे हैं हमने। इसके बाद देखिए जो जो 3 चेन थी ना, उसमें से जो सबसे ऊपर है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसे जोड़ लिया स्लिप स्टिच करके। इसके बाद हमने यहाँ से देखिए 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, ये 3 चेन भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब इसी वाली जगह में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। 12 डबल क्रोशे के ऊपर चेन है 12, तो उन सभी में 2 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। ये हमने मैजिक रिंग का यूज़ नहीं किया, हमने चेन बना के ये बनाया है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 1, ये 2, हर चेन में 2 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं ऐसे। तो देखिए ऐसे हमने सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे बना लिए, 12 डबल क्रोशे के ऊपर बनाए, हर चेन में 2 2, तो टोटल हो गए 24। 24 डबल क्रोशे इस वाली रो में हो गए। तो अब जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लिया। इसके बाद थर्ड राउंड के लिए, तीसरे राउंड के लिए 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, जिसे एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। सेकेंड चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फोर्थ चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, पांचवी फिफ्थ चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, सिक्स चेन में जो छठी चेन है इसमें 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए ये थर्ड राउंड ऐसे है, हर 6 चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 5 में 1 1। देखिए फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, लास्ट राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशे थे, ठीक है। फर्स्ट में 12, इसमें 2 2 बनाए तो 24 हो गए। अब इस राउंड में देखिए फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1 डबल क्रोशे, फोर्थ चेन में भी 1 डबल क्रोशे, फिफ्थ में भी 1 डबल क्रोशे, सिक्स्थ चेन में 2 1 और ये 2, 2 डबल क्रोशे हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट दोबारा से हर छठी चेन में बनाएंगे 2, हर 6 चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 5 में 1 1, 3, 4, 5 डबल क्रोशे, सिक्स्थ वाली चेन में 2 1 और ये 2। देखिए अब फर्स्ट
फर्स्ट में एक, दो बनाने के बाद सेकंड में एक, थर्ड में एक, फोर्थ में एक, फिफ्थ में एक, पांचवी में एक, जो लास्ट वाली चेन बची सिक्स्थ छठी चेन उसमें एक और ये दो, दो डबल क्रोशे बनाए। तो अब देखिए हमने हर सिक्स चेन में बनाए तो एक बार बढ़ाया, दो, तीन और ये चार जगह बढ़ाया, तो टोटल हमारे चार डबल क्रोशे बढ़े। तो लास्ट राउंड में 24 थे तो इसमें हमने चार बढ़ाए तो कितने हो गए, 28 हो गए ना, 28 डबल क्रोशे हो गए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे तो थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, तो देखिए हमने थ्री रो बना ली, थ्री राउंड बना लिए। अब हम जैसे हमने थर्ड राउंड बनाया है इसमें 28 डबल क्रोशे हैं तो अब हम दो राउंड रिपीट करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, थ्री चेन बनाएंगे राउंड फोर के लिए और जो ये डबल क्रोशे है ना इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 28 डबल क्रोशे हैं तो 28 डबल क्रोशे के ऊपर हम 28 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो बनाते हैं राउंड फोर, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ डिक्रीज़ नहीं करना, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, तो बनाते हैं। तो देखिए ऐसे बना फोर्थ राउंड, सभी में हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब स्टार्टिंग में जो थ्री चेन बनाई थी इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर देंगे, थर्ड वाली जो सबसे ऊपर चेन है इसमें। और इसके बाद देखिए फिफ्थ राउंड के लिए नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे फोर्थ बनाए, थ्री चेन और हर चेन में डबल क्रोशे। ये ऐसे ये मैंने 3 mm के क्रोशे हुक से बनाया, आप 2.5 mm के क्रोशे हुक से बनाएंगे। ये देखिए मैंने 2.5 mm के क्रोशे हुक से बनाया, ये थोड़ी खुली बनी है तो ये स्टिचेस आपको आराम से समझ में आ जाएं, वैसे तो ईजी है। तो मैंने इसको 3 mm के क्रोशे हुक से बनाया, तो ये 7 नंबर के गोपाल जी को भी पहना सकते हैं आप। तो इसको ऐसे बनाते जाएंगे, हर चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, 28 हैं तो 28 के ऊपर 28, 28। तो हमने ये 5 रोज बना ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच रो बना ली। इसमें भी हमने रिपीट किया है डबल क्रोशे फिफ्थ रो में भी, तो 28 इसमें भी हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, जो थ्री चेन्स थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये ऐसे बनी कैप। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाई और सेम चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हम इस वाली रो में सिक्स्थ जो छठी रो है सिंगल क्रोशे करेंगे, हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। 28 डबल क्रोशे हैं तो उनके ऊपर हम 28 सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। ये देखिए जैसे ये है ना सिंगल क्रोशे की हमने दो रो की है, ये देखिए सिंगल क्रोशे की दो रो की है ऐसे ही। तो सिक्स्थ रो में भी हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे ऐसे। तो सभी में हमने सिंगल क्रोशे बना लिए रो सिक्स। अब लास्ट में 28 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, ठीक है। अब लास्ट में जो फर्स्ट चेन है, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है ना उसके ऊपर जो चेन है स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे ऐसे। अब रो सेवन बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में भी सेवन्थ रो में भी हम राउंड में भी हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो 28 सिंगल क्रोशे बनेंगे। तो ऐसे बनाते जाएंगे, ये देखिए 28 सिंगल क्रोशे के ऊपर 28 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो बनाते हैं इसे, ये राउंड सेवन है। तो हमने सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे बना लिए 28 के ऊपर 28। हमने दो रो जो दो लाइंस हैं वो सिंगल क्रोशे की बनाई हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ। अब लास्ट में देखिए जो फर्स्ट वाली चेन है, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना था उसके ऊपर चेन है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बना के जो अपनी थ्रेड है इसे कट कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे सुइया क्रोशे हुक के हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारी कैप बन गई। जो ये अंदर वाली थ्रेड है इसे भी लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे सुइया क्रोशे हुक के हेल्प से। देखिए जो सुई है इसमें क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं, सुई से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुई की हेल्प से आप ये जो लूप्स हैं इसमें एक्स्ट्रा थ्रेड को डाल के हाइड कर सकते हैं। और ये हमने मैजिक रिंग नहीं बनाया है तो इसमें नॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैजिक रिंग से नहीं बनाया है हमने।
और एक चीज़ और, अगर आप पॉम्पम लगाना चाहते हैं तो मैंने इसमें पॉम्पम नहीं लगाया है, आप लगा सकते हैं। पॉम्पम लगाना चाहते हैं अपनी कैप में तो ऐसे, और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर दीजिए। देखिए, और सेम ऐसे ही इस वाली जो थ्रेड को भी सुइया क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड कर देंगे। देखिए ये जो है, यहाँ पर भी हम जो लूप्स हैं इसमें क्रोशे हुक से या सुई से ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। इससे जो हमारी जो थ्रेड है वो निकलेगी भी नहीं और दिखेगी भी नहीं, और जो हमारा पैटर्न है वो सिक्योर रहेगा। तो आप ये खुद से भी बना सकते हैं, बहुत इजी है और 10-15-20 मिनट में बन जाएगा। अपने लाला जी के लिए कैप आप खुद बना सकते हैं और इसको अलग अलग साइज़ में भी बना सकते हैं। ये देखिए, कट कर लेंगे इसे जो बच गई है। अब देखिए ये जो कैप है, यहाँ ये देखिए, ये मैंने 2.5 mm के क्रोशे हुक से बनाया है और ये वर्धमान की बेबी वूल का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं है, और ये जो बेबी वूल है वो थोड़ी पतली होती है, और ये मैंने 3 mm के क्रोशे हुक से बनाया है। तो देखिए ऐसे बनी है। आप इसे 7 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, और थोड़ी मोटी वूल का और बड़े क्रोशे का यूज़ करेंगे तो 1-2 नंबर बड़े कान्हा जी को पहना सकते हैं। सी, देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ द कैप्स, द स्लाइट साइज डिफरेंस बिटवीन बोथ द कैप्स। तो ये 6 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं जब उनको केश पहनाएंगे आप, और इसको भी आप केश पहनाएंगे तब भी बना सकते हैं। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये बहुत ही ईजी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए ये परफेक्ट साइज़ है, एंड ये भी थोड़े बड़े कान्हा जी के लिए भी।